नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं वानीटेक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एमएस पेंट में कॉपी पेस्ट और बाकी जो कमांड है वो देखेंगे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उसका इस्तेमाल हम किस किस जगह पे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो आइए यहाँ पे आप ट्यूटोरियल चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एमएस पेंट चालू करूँगा। मैंने एमएस पेंट यहाँ पे चालू कर दिया है। अब यहाँ पे ऊपर दिखे लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस वी इसका शॉर्टकट कीज है। आगे कट है और पेस्ट है, तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शेप लूँगा। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसको यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। जिस चीज़ को आपको कॉपी करना है उसको सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कमांड है, मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ जाके दबा के। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अभी इमेज कॉपी की है। दूसरा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी दबाने से आपका यहाँ पे कॉपी पहले सिलेक्ट कर दिए यहाँ पे, और कंट्रोल प्लस सी दबाए तो ये पिक्चर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं कॉपी कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ यहाँ पे, तीसरी जो मेथड है कॉपी करने का, वो मैं आपको दिखा रहा था। सबसे पहले आप इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और उसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे भी कॉपी का कमांड यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। मतलब आप तीन जगह से कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। पहला है मेनू बार के बाजू में है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट की से कंट्रोल प्लस वी, और तीसरा यहाँ पे जो है इमेज के ऊपर सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, एक बाजू में सिलेक्शन किया था इसलिए इसको लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से पेस्ट आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इमेज करके इसको पेस्ट किया मैंने। दूसरी मेथड जो है यहाँ पे, वो आप कंट्रोल वी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल वी करने से आपने जो कॉपी किया था इमेज वो पेस्ट हो जाएगा। तीसरी मेथड है यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये पेस्ट कर। आप एक बार कोई इमेज कॉपी करने के बाद एमएस पेंट में चाहे जितने बार आपको पेस्ट करना है उतने बार आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने और एक बार पेस्ट किया, और एक बार पेस्ट किया, और एक बार यहाँ पे पेस्ट किया, और एक बार यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, इस तरीके से मैंने पेस्ट किया इसको, यहाँ पे पेस्ट किया, और एक पूरा डिज़ाइन यहाँ पे मैंने पेस्ट करके बनाया। इसको चाहे तो मैं यहाँ से बकेट टूल से कलर चेंज कर सकता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से आपको जो कलर चाहे उसमें आप भर सकते हो इमेज में, और आपको एक अच्छा पिक्चर भी बना सकते हो। कॉपी कमांड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो डिज़ाइन ग्राफिक्स जो बनाते हैं उनके यहाँ पे होता है, क्योंकि एक जैसा ही डिज़ाइन उनको बनाना रहता है तो वहाँ पे कॉपी कमांड का इस्तेमाल होता है। अब मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट भी किया, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस यस बटन दबाने से इमेज यहाँ पे सेव के लिए जाएगा। यहाँ पे इसको मैं फोटो वॉल नाम देके यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब ये इमेज बन चुकी है यहाँ पे। अगर पर्टिकुलर एरिया है आपको कट करके उसका पेस्ट करना होगा तो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज को सिलेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे,
इस तरीके से देख लीजिए। और यहाँ पे कट कमांड यहाँ का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैंने जो इमेज सिलेक्शन किया था वो यहाँ से कट हो चुका है। कट करने का दूसरा भी आपको तरीका बता देता हूँ। आप इमेज को यहाँ पे सिलेक्शन कर दीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप ये कट कर सकते हो। देखिए यहाँ से मैंने ये कट कर लिया है, ठीक है। कट करने की तीसरी जो मेथड है वो आपको बता देता हूँ। आपने इमेज को सिलेक्शन करना है और कंट्रोल प्लस एक्स दबाना है। कंट्रोल प्लस एक्स दबाने से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एरिया जो आपने सिलेक्शन किया है वो कट हो जाएगा। अब कॉपी और कट में फ़र्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉपी पर्टिकुलर इमेज का के जैसा ही डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं, जैसे जेरोक्स मशीन रहता है उसी तरीके से। और कट का मतलब है वो जो आपने सिलेक्शन किया है उसको वहाँ से पूरा कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर में टॉप यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो इमेज को। ये देखिए पेस्ट कर दिया मैंने, उतना ही जितना पोर्शन मैंने सिलेक्शन किया था वो कट होके गया था, यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट कर लिया है, देखो यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे पेस्ट करने का और एक तरीका आपको देता हूँ। इसको अंडो कर देता हूँ और एक बात बता देता हूँ। राइट क्लिक कर दीजिए और वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए राइट क्लिक करने से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप। तीसरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, इसको एक अंडो कर देता हूँ और फिर एक बार। तीसरी प्रोसेस में आप कंट्रोल प्लस वी दबाने से भी आपने जो इमेज कट किया था वो फिर से पेस्ट हो जाएगी और फिर वो वापस आ जाएगी। आप चाहे तो दोबारा भी इसको पेस्ट कर सकते हो। कट एक बार करने से जितनी चाहे वो पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है आपको काम करने में। आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वहाँ से इमेज नहीं हिलेगा और वैसा ही कॉपी रहेगा। आपने इमेज कट कर दिया और वहाँ से निकल गया तो दोबारा वहाँ पे कोई इमेज नहीं आएगा, इसीलिए आप हो सके जितना कॉपी करके ही पेस्ट कर दीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज के एपिसोड में हमने कॉपी पेस्ट किस तरीके से करना है देख लिया और उसका इस्तेमाल हम कहाँ और किस तरीके से करते हैं एक देख लिया। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नए हर एपिसोड का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।